हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो पे। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही चर्चित ट्रिक के पीछे का क्लू बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे चैनल छुपा लेते हैं। देश के सबसे बड़े चैनल ने इस ट्रिक को बताते हुए और क्वेश्चन जब बनाना शुरू किया था, तो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को अपवाद बोल के, एक्सेप्शन बोल के आगे बढ़ गए थे। लेकिन मैं इस ट्रिक के पीछे का क्लू आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके TMS परिवार से जुड़ जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस ट्रिक के हिसाब से वंस प्लस पे है 6, तो स्क्वायर रूट में वंस प्लस पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। और उसके बाद नंबर 12, 12 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 12 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम लोगों को हमेशा छोटा वाला नंबर, जैसा कि उस ट्रिक में बताया गया है, तो 3 लेंगे यहाँ, तो या तो हमारा आंसर 34 होगा या 36। अब देखना है कि 12 किस नंबर के नज़दीक है। तो 12 नज़दीक है 9 के, इसीलिए 9 छोटा है, तो इसलिए हम लोग छोटा वाला नंबर ले लेंगे आंसर में, तो 34 हो जाएगा। लेकिन उस ट्रिक के हिसाब से हमारा आंसर गलत आ जाएगा, जबकि 12 96 का स्क्वायर रूट होना है 36, जो कि सही होगा। और इसी क्वेश्चन को ज़्यादातर चैनल अपवाद बोल के, एक्सेप्शन बोल के स्किप कर जाते हैं। मैं इसके पीछे का क्लू आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ वंस प्लस पे है 6, तो स्क्वायर रूट में वंस प्लस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ तक बात सही है। अब नंबर बचता है 12। जी नहीं, नंबर 12 नहीं बचता है, बल्कि इसका प्लेस वैल्यू देखिए तो 1200 है, और 1200 ही नहीं बल्कि 1296 है। तो 1296 हम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ लगाएंगे पॉइंट और लिखेंगे 12.96। तो 12.96 यानी अप्रॉक्स 13। तो 13 किस नंबर के नज़दीक है? तो 13 16 के नज़दीक है, ना कि 9 के, इसीलिए हमारा आंसर होगा 36। ये आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स क्लोज वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।